लेना राइडर 1000 चैनल वॉच करो, आपको पूरी उसका हिस्ट्री पता लगेगा, वर्ल्ड फेमस है। और लेम्बोर्गिनी कब आ रहा है भैया? बर्थडे तक का प्लान है 18 सितंबर। अभी देखो FIR हो रखी है, अभी पुलिस उसमें देख रही है, क्योंकि भैया को जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, मिल रहे, उसी की तो फाइट है। घर जाते ही शादी कर लेना पूजा से। उसके साथ भागे क्यों वहाँ से? क्योंकि उन्हें पता कि उनसे कुछ गड़बड़ हुई है। जिंदगी में जितना अकेले चलोगे उतना आगे बढ़ोगे। पापा जी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसे ही स्ट्रांग रहिए। अच्छा काम करते जाओ, कोई नजर नहीं लगेगी। जय गांव, कभी टाइम लगेगा ठंड में, कभी तो मरेंगे चक्कर में। बाकी अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं गाइस, खच्चर यूज ना करें, उन पे ना बैठ के जाएं। आराम से आना, कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना। सारे एक महीने के राइड में बजरंगबली हमारे साथ है, और आप भी साथ देना गाइस। एते के प्यार दीदे करनू माया करनू। आज का ये ब्लॉग शुरू हो रहा है बाबू भैया के फ्लैट से, और कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है, ये पूरा जंगली जंगल है, और रात को यहाँ पे बहुत ही अच्छी नींद आई। और कैसे है बाबू भैया? फुल पावर, क्या हाल है? मजा आया फ्लैट में? एकदम सही बता रहा हूँ, एक भाई भाई वाला फील आ गया। आपको पता ही होगा गाइस, मैं ना अभी सोलो राइड करने वाला हूँ केदारनाथ या लद्दाख वगैरह, बट यहाँ आके ना एक अकेला महसूस होने का फील ही नहीं दिया हमारे भैया ने, बिकॉज एक भाई भाई वाला एक परिवार वाला फील आया। आज हमें जाना है ऋषिकेश। अभी बाबू भैया का वीडियो वगैरह अपलोड हो चुका है, एंड सच बता दो बाबू भैया, आई एम सो सॉरी। ओके, क्यों? क्योंकि क्या हुआ ना, जब आपका थोड़ा बहुत ये कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहा था ना, आप जब हम मिलने आए थे आपको सिलगुड़ी में, वहाँ पे अच्छे से मिल नहीं पाए थे, और वहाँ पे क्या हुआ, हमें ना कुछ कुछ लोगों ने ना मेरा दिमाग का भसड़ बना दिया था। तो मैंने एक्चुअली वीडियो में तो कुछ बोला नहीं हूँ, बस छोटा सा एक पोक कर दिया था, बट आपका नाम नहीं लिया था। वहाँ पे क्या हो गया, अभी मेरे को एहसास हुआ कि मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी वो चीज़ बोल के ना, क्योंकि आपके साथ अभी जिस तरीके से पर्सनली रहा ना, लाइक मैं फील किया हमारे बाबू भैया को कि लाइक इतने बिजी रहते हैं ना वीडियो आप लोग को देने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, कि अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते। और देखो भाई, बीमार में भी आप वीडियो वगैरह बनाते हो ना, जिस तरीके से मैंने देखा हूँ, रियली हैट्स ऑफ हिम। एंड यही है, अभी लद्दाख वदक का भैया जा रहे हैं, और लेम्बोर्गिनी कब आ रहा है भैया? सून मतलब बर्थडे तक का प्लान है 18 सितंबर, बाकी देखो होप जल्दी भी आते हैं, एंड होप जल्दी बाबू भाई का शादी भी हो जाए, और इनवाइट तो करोगे ना मुझे? मैं अभी से रिहर्सल करना शुरू कर दूंगा डांस का, ठीक है बाबू भैया? डन गाइस, डन। अभी बाबू भैया प्रेम नगर जा रहे हैं, जो डुकाटी का आधा काम हुआ था उसका आधा काम करेंगे, मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। तो यही है, अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया हूँ, तो यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली बता दूँ, देहरादून में ना काफी ज्यादा गर्मी है ना भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है देहरादून में। मतलब दिन में तो आप नहीं निकल सकते, शाम ही को निकल सकते, सुपर बाइक नहीं निकल सकती यार दिन में। और भैया ये आपने टैटू कब किए? टैटू को हो गया यार ऑलमोस्ट लाइक 4 साल इसे हो गया, ये 3 साल, ये कुछ रिसेंट है लास्ट ईयर, ये अभी 6 महीना हुआ है, ये 6 महीना। लाइक वीडियो में जिस तरीके से देखता हूँ ना गाइस, रियल लाइफ में ना सच बता दूं लाइक अलग ही है, एक स्वाइग है आपके बाबू भैया, और आपके ये मूछे दाढ़ी तो भाई बल्ले बल्ले। आपको ये ट्रेवल जब करते है ना तब आपका ये इतना थोड़ा बहुत बाल है दिक्कत वगैरह? बालों का बहुत इशू होता है यार, लाइक यू नो मेंटेन करने मुश्किल हो जाते हैं, बट स्टिल लाइक लंबी राइड पे बहुत मुश्किल है दाढ़ी और बालों के साथ। एंड या जल्दी से बाबू भाई का शादी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि फ्लैट वगैरह ले लिए है, मम्मी पापा अकेले रहती है, तो आप एक बहू तो चाहिए ना बाबू भैया, जल्दी भाई जल्दी। शू अरे भैया सुने ना, मैंने ना अपने रॉकी पे वो इल्यूमिनाटी का वो साइन लगाया हूँ, उससे क्या होता है? वो इल्यूमिनाटी का साइन नहीं, वो आई ऑफ राय, थर्ड आई होता है ना शिव जी जैसे, वो लगाने से क्या होता है? मतलब डिपेंड करता है कि आपको कैसे सूट कर रहा है, होता कुछ नहीं है, आई ऑफ राय थर्ड आई प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड। मैंने इसलिए लगाया गाइस क्योंकि बहुत लोग ना नजर लगता है आपसे, शायद आई होप कि नजर ना लगे। नहीं लगेगा, अच्छा काम करते जाओ, कोई नजर नहीं लगेगी। आप जिस तरीके से मेहनत करते हो ना बाबू भैया, लाइक जितने भी सारे अभी सुपर बाइक्स वगैरह, लाइक इतने अच्छे फैमिली चल रहे हैं ना, बंदा डिजर्व करता है, बिकॉज भाई 5 साल यूट्यूब पे मेहनत नॉट अ इजी ना, डेली मुश्किल है। अब मीटअप में तो क्या ही बताऊं, गर्मी प्लस आदमी इतने ग्रुप रहते हैं, आपका तो दिमाग का हिल जाता होगा, ठीक है, पर फिर भी आप मैनेज कर लेते हैं, सब लोग मैनेज कर रहे हैं, अच्छा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो लेट्स डू इट। हमारे जो डुअर्स में रहते हैं, हमारे सारे बाबू भैया के व्यूअर्स, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बहुत सारा प्यार, डेरी डेरी माया गाइस, एते के प्यार दीदे करनू माया करनू। एकदम ढेर सारा प्यार, हमारे जितने भी सारे रॉक लामा है, बाबू भैया को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, उसे ही पता है बाबू भाई का ब्रोस है ना, तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो हमारा भी थोड़ा बहुत कर देना, अच्छा लगेगा। और भैया देहरादून के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देहरादून में ज्यादा कुछ नहीं है घूमने के लिए, बट ऋषिकेश हरिद्वार ये जगह घूमने के लिए, देहरादून में है घूमने के लिए, बट फिर गर्मी अभी इस टाइम तो नहीं निकल सकते भाई, सो ये है कि शाम के टाइम गुच्चू पानी जा सकते हो, मसूरी जा सकते हो, बट जो घूमने वाली प्लेसेस है वो मेजोरिटी ऋषिकेश और हरिद्वार में है। एंड मैं पहला यंगेस्ट बंदा आऊंगा शायद अपने टाउन से की सोलो राइड
ये सारे के सारे अपने ड्रीम राइड कंप्लीट करेंगे। सोलो तो नहीं, बिकॉज आप लोग साथ हैं, तो डरनी की क्या बात है। जय बजरंगबली। सो बॉयज मैं हो चुका हूँ रेडी और हमारे बाबू भैया लगा रहे 80,000 के शूज, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आई एम सो हैप्पी कि बाबू भाई से सिर्फ नहीं मिला हूँ गाइस, बाबू भैया के पापा मम्मी से भी मिला हूँ ना। लाइक आपके पापा ना बेस्ट है, पापा ने ना शेर पैदा किया है। मैं निकलने वाला हूँ गाइस, तो बाबू भैया बहुत ही अच्छा दिन से अच्छा लगा हमको। घर जाते ही शादी कर लेना पूजा से। हां मैं आई सॉ योर बेटी को नेपाल दी सी राइट, सच में। सो आई थिंक शी इज अ गुड पार्टनर फॉर यू। बाकी पर हम दोनों तो दोस्त हैं। हां सही है, पर दोस्ती दोस्ती से क्या पता, क्या पता कुछ होता है फ्यूचर, और फ्यूचर में बताएंगे जरूर। बिकॉज पूजा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो दिलाती है, मतलब उसके आंखों में देख रहा हूँ ना वो प्यार दिखता है। मैं भी शादी में हूँ, फुल पावर। चलो गाइस जल्दी जल्दी निकलते, बाबू भाई ने क्या बोल दिया, पूजा से शादी करो। भाई आप लोग क्या चाहते हो, पूजा से मैं शादी करूँ? कम से कम पहले गर्लफ्रेंड तो बना लो अपनी। वो पूजा साला मानती ही नहीं है, किसी और के साथ भाग जाती है। अलर्ट गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे, अपने रॉकी को करते हैं कॉल स्टार। सबसे पहले हो गया है कॉल स्टार, और कल रात को ही मैंने यहाँ पे ये लगा दिया होगा गाइस, ये थर्ड आई से शिव जी का। अब से पॉजिटिव एंड नेगेटिव भाई दोनों आने वाला है, बस मुझे सही रहना है। चले भैया जी, हर्ष भैया, बाबू भैया, ओके भाभी दी, और दूसरे दीदी, बाय बाय। और एक चीज बता दो भैया, जब हम सिलगुड़ी में आए थे ना आपसे मिलने के लिए, हम सारे दोस्तों के लेके आए थे। एंड दिस टाइम मैं अकेला क्यों पड़ गया हूँ वो ऑडियंस को ना पता ही होगा। तो भैया जी नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो मिलेगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट में रहिएगा। जिंदगी में जितना अकेले चलोगे उतना आगे बढ़ोगे, सच में। ये तो सही मोटिवेशनल है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। जिंदगी में जितना अकेले चलोगे उतना आगे बढ़ोगे। चलो सही है, चलो भैया अकेले, चलो आराम से आना। हाँ सही है, कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना। ओके ओके भैया, ओके ओके बाय रॉकी भाई, ओके भाई, ओके। अभी जस्ट बाबू भैया ने क्या सही बात बोला है, जिंदगी में अकेले रहोगे ना उतने आगे बढ़ोगे, ये बात से ना मेरा दिल छू गया। एंड सच बता दूं गाइस, ये सारा अपना ड्रीम राइड ना मैं अकेले कंप्लीट करने वाला हूँ ना। आपको पता होगा जब सिलगुड़ी में बाबू भैया आए थे, मैं अपने सारे दोस्तों को मैं खुद लेके गया था भाई सबसे मिलवाने के लिए, बट आज मैं अकेला क्यों पड़ गया। बट यहाँ पे किसी को नो हेट गाइस, बिकॉज सब अपने अपने जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं, एंड जो भी हुआ है सब अपने अपने डिसीजन से ही सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में चेंज है गाइस, बिकॉज आपको पता होगा कल वाले वीडियो पे मैंने बोला था हम देहरादून आए हैं तो प्रो राइडर 1000 के पापा से मिलेंगे, मुझे एड्रेस नहीं पता है ना, बट यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के देहरादून के तुषार भैया है जिन्होंने, हेलो भैया, कैसे हो भैया, प्रो राइडर 1000 हमारे जो भैया है उसके घर के एड्रेस भी भैया ने दे दिए हैं। रियली थैंक यू सो मच भैया जी, बिकॉज यू नो प्रो राइडर 1000 के कुछ दिन पहले इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, सबको दुख है, पर वहाँ पे ना मेरे को स्पेशली पापा से मिलना है, बिकॉज जो पापा है ना उसको बहुत ही स्ट्रांग है यार, पापा ही हैंडल कर रहे हैं अभी। हाँ सब चीजें तो एक होता है, मोरल सपोर्ट तो बनता है ना, इतनी सब चीजें हो गई वही, आप इतनी दूर से आए हैं तो पापा से मिलेंगे, एक बेटा वाला फील अब जितना हो सके हम देने का ट्राई करेंगे। एंड रियली थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक यू। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं, जय बजरंगबली, सेफ राइड हो, भगवान रक्षा करना हमारी। ये सारे एक महीने के राइड में बजरंगबली हमारे साथ है, और आप भी साथ देना गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से ये होता है ना वीडियो से आगे आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आज का ये दिन ना थोड़ा सा लेट शुरू हुआ बिकॉज देहरादून में काफी ज्यादा गर्मी था। ओ माई गॉड टाइम देख रहे हो भाई साहब, इवनिंग के ना 7 PM होने वाला है वो छोटे लोग। बाय बाय बच्चों, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये जो मैंने लोकेशन लगाया हूँ ना गाइस, सीधा के सीधा प्रो राइडर 1000 का घर का लगाया हूँ। आई होप कि घर पे पापा जी हो। एंड बाबू भैया के इतने सारे कंट्रोवर्सी वगैरह होते हैं ना, मुझे लगता है ना बाबू भैया ना अपने जगह पे सही है यार, अपना भी लाइफ का प्राइवेसी पर्सनल लाइफ होता है, लाइक इतने बड़े चैनल है और सबको टाइम देना इम्पॉसिबल यार। बाबू भैया मैंने अभी देखा एक दो दिन के अंदर भाई अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते, दिन रात एक हो जाता है वीडियो बनाने में एडिटिंग में। बट जो बाबू भैया ने यूट्यूब में फैन बेस अपना बनाया है ना भाई, शाहरुख खान के लेवल के है। एंड स्पेशली थैंक्स टू ब्रोस है ना जिन्होंने बाबू भैया को एक छोटे से देहरादून टाउन से यहाँ तक आपने पहुँचाया, पर फिर भी बाबू भैया ना यहाँ रहते डाउन टू द अर्थ। वो ट्रैफिक लग गया भाई, घोड़े की रेस लग गई, भागो। ओ ओ दीदी अभी ठोक देता दीदी हमको। हेलो क्यूटी, हेलो
फंस गया ट्रैफिक में, बहुत गर्मी है यहाँ के। अगल बगल ना गाइस रोड वगैरह सारे के सारे ना बहुत ही ज्यादा क्लीन है यार, सिक्किम का याद दिला दिया, बिकॉज सिक्किम भी ऐसा ही क्लीन है। लोकेशन तो यहीं पे बता रहा है, आई होप कि ये सही एड्रेस हो यार, प्रो राइडर का घर तो यही है। One hour later. So guys, finally, हम प्रो राइडर 1000 अगस्त भैया के घर में आ चुके हैं और यहाँ पे पापा जी भी आ चुके हैं। नमस्कार पापा जी, कैसे हैं आप? अभी कहाँ जगह है? अभी हम छोटी राइड पे थे, अपने ब्लॉग बना रहे थे। Okay, एकदम ये बढ़िया है, प्रो राइडर 1000 चैनल है, जाके प्लीज प्यार देना। एंड स्पेशली पापा से मिलना था, एंड मैं बता दूं हमारा अगस्त भैया है ना थोड़ा घूमने गए हैं, बट हम सारे के जितने भी सारे प्रो राइडर के व्यूअर्स है ना सारे के सारे बैठे जैसा एक फील देना। प्रो राइडर 1000 चैनल वॉच करो, आपको पूरी उसका हिस्ट्री पता लगेगा। वो आर्म रेसलिंग चैंपियन था एंड एक गुड स्टूडेंट था, उसका अपना यूट्यूब चैनल है, वर्ल्ड फेमस है, खुलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, पर अभी जो हो रहा है पापा जी बेटा का सपना पूरा रहा है, हमें एकदम गर्व है। एंड सारे जितने भी सारे प्रो राइडर के व्यूअर्स है, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और हमारे रॉक लाइन फैमिली पापा जी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग शक्ति दे। भूटान ना, भूटान जय गाँव है, जय गाँव, जय गाँव। कभी टाइम लगेगा ठंड में, कभी तो मरेंगे चक्कर उधर भी। हाँ जरूर जरूर, जब तुम इधर आ सकते तो हम नहीं आ सकते उधर, हमारा पूरा ग्रुप आएगा। बिल्कुल, हम तो सब राइडर हैं, हमें छोटी राइड तो पसंद नहीं है, हम तो दो दो तीन दिन जाए। अभी हम लद्दाख का प्लान कर रहे हैं, जैसे तुम जा रहे हो ना, हम हमारा भी प्लान चल रहा है, उसका रैप्टर ठीक हो जाए बस, फिर देखो कमाल। हाँ अच्छा, अगस्त भैया का ना जो रैप्टर है वो अभी बनने जा रहा है। हाँ, वो शोरूम में आ गया है, बस का रिपेयरिंग चल रहा है। रिपेयरिंग क्या, उसके पार्ट्स हैं, एक्चुअली इम्पोर्टेड सुपर बाइक है तो पार्ट इजिली अवेलेबल नहीं होते, विदिन 15-25 डेज वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। फिर उसमें हमने कस्टम वगैरह कुछ और काम करवाना, तब उसे लद्दाख लेके जाना। एकदम सही है। वो इंसिडेंट के बारे में अभी कुछ चल रहा है कुछ? अभी देखो FIR हो रखी है, अभी पुलिस उसमें देख रही है, क्योंकि एक महीने में निष्कर्ष नहीं निकल सकता ना कि उस चीज का क्या हुआ है, लेकिन ये है कि हमें विश्वास है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। भैया को जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ मिल रहा है, उसी की तो फाइट है, हमारे पे कुछ और काम नहीं है। अब वी आर वेल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिस के लिए फाइट करनी। बात यह है कि जो उसके साथ थे वो भागे क्यों वहाँ से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपनी गाड़ी का कलर भी चेंज किया है उसी समय, रात को 10:30 बजे होटल भी छोड़ के भागे हैं, क्यों भागे ये क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज, जो एक्सीडेंट 9:30 से 10:45 बजे के बीच में हुआ, मुझे 1 बजे दिन में फ़ोन कर रहे हैं, तो 3.5 घंटे वो क्या कर रहे थे? उनकी गाड़ी का रिपेयरिंग कर रहे थे क्या अपनी गाड़ी का? कोई नहीं, वो तो पुलिस ढूंढ ही लेगी, क्या होता है फ्यूचर में कोई नहीं। पर जो हमारे अगस्त भैया थे ना, दिल से बहुत ही अच्छे थे, बिकॉज यू नो गाइस वो ना ओनली इधर लोकल ही ब्लॉग बनाते थे, वो रेसिंग वेसिंग का उसका कोई चक्कर नहीं था, रेसिंग नहीं था। जब ऐसा बस ये था कि सुपर बाइक था, हल्का सा बूस्ट आदमी देता ही है, क्योंकि पूरी रोड में आदमी कभी 20 पे चला रहा है, कभी 40 पे, कभी 80 पे, कभी 20 पे, तो ये तो चलता रहता है। प्रॉपरली रेसिंग होती है नहीं, वो नहीं। कोई ना, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, भैया को जस्टिस मिलना चाहिए। बट पापा जी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसे ही स्ट्रांग रहिए, हमारे सारे जितने भी सारे हैं ना बेटे आप लोग, हम सपोर्ट करेंगे आपको दिल से, फुल पावर एकदम पापा जी को सपोर्ट की। डोंट वरी, उसका आगे का यूट्यूब चैनल मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, उसकी सिस्टर हैंडल कर रही है, शी इज इन लंदन। मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, आगे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से वो उसे डाउनलोड कर देती है। तो एवरीथिंग, क्योंकि करना इसलिए जरूरी है, बात मनी की नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने जो 1.5-2 साल मेहनत करी है वो जीरो ना हो जाए, इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं उसे। और हमें काहे की दिक्कत, खा रहे हैं पी रहे हैं बढ़िया आराम से, उसको बर्थडे के दिन सुपर बाइक आएगा, देखो एक BMW S1000। उसने सोच रखा है वो हमने लेना ही है, चाहे उसे हम 5000 किलोमीटर चलाए जिंदगी भर, लेकिन वो लेनी है, हमें पूरी कर देना वो प्रॉमिस। प्रॉमिस पूरे करेंगे हमारे पापा जी। वैसे पापा जी के डोले शोले एकदम ही मस्त है, और वैसे आप स्मार्ट, हाँ बॉडी तो है भाई, आपने वो भी करते हैं ना, आम रेसलिंग चैंपियन 110 कैटेगरी ऑल इंडिया। पापा जी के बेटे ने तो आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कितने सारे गोल्ड मेडल, इतने उसका पूरा रूम भरा हुआ है, उसके मेडल इतने भरे हैं, उठाऊंगे तो आप उठा भी नहीं पाओगे। सही है, चलो। वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही होंगे, मैक्सिमम गोल्ड ही होंगे मैक्सिमम। रियली प्राउड फील कराया है, जहाँ पे भी है खुश रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रो राइडर 1000 के, ये G900 है ना पापा जी? G1000 उत्तराखंड में एक ही है, प्रो राइडर 1000 गाइस। और इसका बड़ा भाई रैप्टर जल्दी आने वाला है, रोडों पर तूफान मचाने वाला है, फिर से रॉकेट बन जाएगा। पापा जी बेटे का सपना पूरा कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नंबर भी वही है जो उसका है, उसका नंबर यही है, KTM है ना, या तो KTM 390, इसका नंबर भी वही है और उसका नंबर भी वही है। ओके ओके ओके,
जयगांव मैं सर्दी में कभी टाइम लगा हमारा ग्रुप वहाँ आएगा जरूर। आप आएंगे तो आपको मैं सिक्किम दार्जिलिंग और हमारा जयगांव भी घुमाऊंगा। हमारा देखा हुआ नहीं उधर नहीं नहीं सच में हम घुमाएंगे। हमारा आर्मी का लोग है बड़े बड़े अधिकारी उनको भी हम कॉल कर देंगे लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन बन के अच्छा रहेगा क्योंकि हमें भी लॉन्ग राइड चाहिए। ओके हम वहाँ रुकेंगे जो लकड़ी के घर भी होते हाँ जी उसमें रुकवाना हाँ जरूर जरूर। और यहाँ पे पापा जी अभी जस्ट राइड करके आए थे और सारे के सारे पापा जी के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा सब यूट्यूबर से। वन सेकंड पापा जी फिर कभी मिलेंगे तो एकदम मस्त राइड करेंगे। थैंक यू स्ट्रॉन्ग रहिए। चलो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो भाई का लोकेशन था ऋषिकेश जहाँ पे हमको रहना है उसका लोकेशन मिल चुका है। फिर एक बार गले लगेंगे पापा जी आएंगे ना उधर तो आप बोलेगा ठीक है आपके सारे बेटे आपके साथ है टेंशन मत लीजिएगा। पापा जी जल्दी से रैप्टर निकल के ना रोड पर रॉकेट मचा देना है ठीक है। थोड़ा सा उसमें कार्बन डिटेलिंग ओके अच्छी क्वालिटी की फिर उस पे वही चला दी जैसे वो चलाते थे ओके पापा जी आराम से। ओके पापा जी स्पेशली मैं पापा जी से मिलना था मिल भी लिया। पापा जी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है बट मुझे फील हुआ पापा जी ना गाइस जितना स्ट्रांग देखते हैं ना वीडियो पे मतलब अभी भी है स्ट्रांग ही है बट अंदर दिल से ना टूटा हुआ है तो हमें क्या है ना टूटने नहीं देना है। हमें ना सब बेटा होके ना भले बेटा चला गया ना पर हम लोग ना मिलके पापा जी को ना बेटा वाला फील दे सकते हैं और भी ज्यादा पापा जी को स्ट्रांग बनाएंगे। एंड हाँ गाइस कमेंट में जस्टिस फॉर प्रोवाइड 1000 जरूर लिखना। रात के 12 बजने वाला है गाइस और आपका भाई कुछ इस तरीके के लोकेशन पर राइड कर रहा है। रास्ता यहाँ का काफी ज्यादा मक्खन है। योगा नागरी वेलकम यू। ओके ओके भाई पूरा पहाड़ों पे हम राइड कर रहे हैं गाइस। क्वीन कोबरा की तरह है रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा। और ऋषिकेश में आई थिंक मंदिर वगैरह है और बोटिंग वगैरह जो कि हम कल करने वाले हैं। हरिद्वार 26 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर है ऋषिकेश 0.2 किलोमीटर। ओके इतना ज़्यादा भूख लग रहा है ना भाई पेट के चूहे मर चुके हैं और आँख मेरा निकलने वाला है क्या बताऊँ मैं। मुझे लगा था ऋषिकेश पूरा सो गया है भाई यहाँ पे देखो रात के 12 बजे भी इतने सारे क्राउड है आइसक्रीम खा रहे सब जन घूम रहे। आप ही हो क्या? अरे सब सही है एकदम बढ़िया है। हेलो आशु ओके सो फाइनली गाइस आपका भाई पहुंच चुका है ऋषिकेश तपोवन जो कि मैं ऋषिकेश मेन टाउन से ना दूर हूँ बिकॉज ये जो जगह है ना एकदम टूरिज्म फेमस प्लेस है। और हमें आते ही यहाँ पे देख सकते हैं रोटी और यहाँ पे पनीर मिल चुका है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने भी सारे भैया दिख रहे हैं ना हम पहचानते नहीं है बट 5 मिनट के अंदर इतना ज्यादा दोस्ती इतना ज्यादा मस्ती हो गया है ना एक घर वाला भाई आ रखा है। थैंक यू सो मच भैया जी। आपका नाम? आशु। आपका? मानवेंद्र। विक्की। और आपका? विकास। और भैया अब एक दो दिन में मैं जैसे केदारनाथ जाने वाला हूँ और वहाँ के जो खच्चर वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है सीन? केदारनाथ में ये है कि वो 16-17 किलोमीटर ट्रैक है। ओके तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं ओके तो खच्चर यूज ना करें। अगर आप लोग दर्शन करना चाह रहे हैं तो पहला आप यही चूज करें कि आप बाय वॉक जाएं नहीं तो आप बाय हेलीकॉप्टर भी जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आप पे पालकी भी है। ओके तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गाइस खच्चर यूज ना करें उन पे ना बैठ के जाएं। ओके एक्चुअली मैं बता दूं गाइस कमेंट आया है यहाँ पे एक दो ठो मैंने नोटिस कर लिया और मैंने दिमाग में ना वही ख्याल चल रहा था कि जैसे हम केदारनाथ यात्रा करेंगे ना ट्रैकिंग में तो खच्चर वालों का क्या है ना कि वहाँ पे ना खाना अच्छे से मिलता है उसको जंगल पे छोड़ देता है। वो जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं आदमी लोग सवारी करते हैं उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। अगर आप सच में भगवान की दर्शन करना चाहते हो ना सबसे बड़ा ना भगवान ना कौन है पता है खच्चर है जो कि लोगों को ऊपर तक ले जाते हैं तो उसको रेस्ट देना भी जरूरी है बट यहाँ पे ना खच्चर वगैरह ना मर रहे हैं। कुछ दिन मैंने मतलब कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे भैया 200-500 से ज्यादा खच्चर मर रहे हैं वहाँ पे कोई वहाँ पे कैरी नहीं करता। बस काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुई है वहाँ पे इस समय कि खच्चर जो है कुछ खच्चर लंगड़ा के चल रहे हैं एंड दे डोंट गेट गुड फूड फॉर देम दे डोंट गेट इनफ फूड फॉर देम और जो है खच्चर के जो मालिक हैं वो उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं और उन्हें वहां पे उनका खाना नहीं मिलता है। okay. जो खच्चर को नीड है इतने हाई एल्टीट्यूड में चलने का उनका खाना नहीं मिलता है। तो यही सीन है गाइस केदारनाथ यात्रा करेंगे एक दो दिन में। और एक चीज बता दूं गाइस ट्रेवल में या चाहे आप घूमने जाते हो ना अपने दोस्तों के साथ अपना दोस्तों को ना कभी भी मत छोड़ना ठीक है ये चीज मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि जब आप लाइक ट्रेवल कर रहे हो लॉन्ग टूर कर रहे हो अपने दोस्तों को छोड़ देते हो ना जो छोड़ा हुआ दोस्त है ना उसी को पता होता है कि कितना दुख होता है भाई दिल में एक लाइक बोल दूं तो दिल टूट सा जाता है बट हमारे भैया लोग मिलने के बाद ना वो दिल फिर से जुड़ गया है। आप लोग भी जुड़ा है
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक का टारगेट करते हैं 20K, ओनली 20K, ओके। अभी खाना वाना खा के हम जाएंगे कैंपिंग के लिए। कैंपिंग कहाँ है क्या नहीं कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कांची दिन रैक 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 डैक 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 ब्रो। मैं बता दूं, मैं आया था केदारनाथ लद्दाख सोलो राइड में भाई। और जिंदगी क्या है आज पता चला, नहीं तो जिंदगी तो चने की झाड़ भी एंजॉय करते हैं, पर सोलो लाइफ में जो जिंदगी है ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं एक ही चीज बताऊंगा, बस एंजॉय करो अपने लाइफ को। इधर आओ भाई,